नहीं नहीं, मालेगांव का एमएलए मुसलमान, मालेगांव का नगर सेवक मैक्सिमम मुसलमान, मालेगांव का मेयर मुसलमान, लेकिन मालेगांव की खस्ता हालात, मालेगांव के बहुत सारे नगर सेवक चले गए राष्ट्रवादी पार्टी में, राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार, उनका होम मिनिस्टर, लेकिन बेकसूर नौजवानों को 11-11 महीने तक 307 में रखा गया। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ राष्ट्रवादी पार्टी से कि अब तुम्हारा आदमी मुंबई में नवाब मलिक और संजय पाटिल का झगड़ा होता है, रिवाइवल चलती हो, 307 होता है, तुम दो दिनों के अंदर उसको 324 में करके ख़त्म कर देते हो, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी, ये लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूँ, इसलिए आए मालेगांव आज। ना सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में इतना पैदा कर लेकर, तारीख के पन्नों को उलट कर देखिए, मुसलमानों ने कभी कोई गद्दारी नहीं किया है, लेकिन आज जो सरकारें बैठी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बर्बाद कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन गद्दार नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो आज़ादी के पहले 1947 में हो गया ना, उसे भूल जाओ। आज कौन गद्दार है? आज वो लोग गद्दार है जो इस मुल्क के कानून का मजाक उड़ाकर इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों को, इस देश को ला करके इन्होंने ऐसी जगह खड़ा कर दिया, भूखे मर रहे हैं लोग, लोगों को खाने को नहीं है, रुपया रोज डॉलर बढ़ रहा है, रखा हुआ पैसा 100 रुपया 80 रुपया हो गया, इसका जिम्मेदार कौन?